Sharing new recipe, so come with me. आज मैं बंगाल की फेमस मिठाई रसगुल्ले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसका स्पॉन्ज देखिए सिरप में जाती है फिर से पूरा फूल जाता है सेम फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको बहुत जूसी बने हैं बहुत सॉफ्ट हैं, फ्लफी हैं। देखिए फिर से मैं दिखा रही हूँ ये देखिए पूरा मैंने इसका सिरप स्क्वीज कर दिया फिर से सिरप में जाते ही, फिर से वैसे ही हो गया अगर आप रसगुल्ले बना रहे हैं तो वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखिएगा बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप ऐसे ही रसगुल्ले बना सकते हैं और इसको मैं देखिए एक बार काट के भी दिखा रही हूँ और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप मेरी सारी वीडियोस देख पाएंगे लाइक शेयर करते रहिए ये देखिए मैं इसकी जाली दिखा रही हूँ ये देखिए कितना परफेक्ट टेक्सचर आया हुआ है बहुत अच्छे बने हुए हैं इसी तरह आप भी बनाइए तो चलिए फटाफट रसगुल्ले बनाने के लिए सामान निकाल लेते हैं सबसे पहले हम छेना बनाएंगे तो उसके लिए हमें दूध उबालना है तो जो बर्तन में आप दूध उबालें एक बार पानी निकाल के उसका हटा दें तो तले में दूध नहीं जमता है तो मैंने एक लीटर गाय का दूध लिया है ये हम अपने बर्तन में डाल लेते हैं और इसको बॉयल होने देते हैं इधर हम दो टेबलस्पून सिरका हमने ले लिया रेगुलर सिरका सिरका जो व्हाइट आता है और दो ही टेबलस्पून इसमें हम पानी नॉर्मल वाटर डाल देते हैं और दूध में उबाल आने देते देखिए दूध में उबाल आ गया है गैस ऑफ कर देते हैं और ये बर्तन को हम गैस से अलग कर देते हैं दो तीन मिनट के लिए इसको ठंडा होने देते हैं फिर जो हमने मिक्सचर बनाया है विनेगर और वाटर का वो धीरे धीरे डालेंगे और चलाते रहेंगे धीरे धीरे एक बार में सारा नहीं डालना है हमको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और चलाते जाना है आप देखोगे थोड़ा थोड़ा सा कर्डल होने लगा है यानी छेना अलग होने लगा है अगर आपका ये मिक्सचर कम पड़ जाए तो आप थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हो क्योंकि दूध की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कई बार थोड़ा सा देर से फटता है अब देखिए ये धीरे धीरे मैंने सब डाल दिया ये वीडियो मैं नॉन एडिटेड दिखा रही हूँ तो आप रेगुलर देखते जाइए इस तरह से देखिए धीरे धीरे छेना फटने लगा है थोड़ा सा और डाल देते हैं जैसे ही हमें छेना इकट्ठा होने दिखेगा और उसका वे देखिए ग्रीन कलर दिखने लगा है ये देखिए इसका मतलब हमारा छेना परफेक्ट बना हुआ है ग्रीन कलर का वे निकल आया छेना अलग दिख रहा है तो इसमें तुरंत हम ठंडा पानी डाल देंगे छेने की ओवर कुकिंग से छेने हमारे टाइट बनेंगे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे तो अब हम इसमें एक नेट बिछा देते हैं स्ट्रेनर के ऊपर आप कॉटन भी ले सकते हो इस तरह से बिछा के मैं इसे छान लेती हूँ जिससे छेना नहीं निकले केवल उसका वे बाहर आए ये देखिए हमने सारा छान लिया है ये छेना हमारा थ्री फोर्थ कप कर करीब होगा और इससे जो वे निकला ये बहुत पॉस्टिक होता है इसको आप पी भी सकते हो आटा गून सकते हो सब्ज़ी में डाल सकते हो अभी जो छेना है इसको हम ठंडे पानी से धोएंगे क्योंकि हमने वेनेगर से फाड़ा है चाहे आप नींबू से फाड़ो लेकिन इसको हमें धोना ज़रूरी है जिससे इसकी खट्टास निकल जाए अब हमें इस छेने को जिसका एक्स्ट्रा पानी है थोड़ा निचोड़ना है तो इस तरह से सब साइड से इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इस तरह से कपड़े को लेके हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करना है बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं करना है बिल्कुल नॉर्मल वे में करना है बहुत ज़्यादा करने से टाइट हो सकता है अब इसके ऊपर या तो अब इसको हैंग करके पाँच छः घंटे के लिए रख दो या फिर इसके ऊपर हम वे वेट रख देते हैं करीब आ, वन के जी का वेट आप कोई भी देख लो और उसको हम इस तरह से रख देते हैं केवल फाइव मिनट्स में ये अच्छे से तैयार हो जाएगा छेना इधर हम चाशनी बना लेते हैं तो डेढ़ कप हम चीनी ले रहे हैं और इसमें हम तीन कप पानी डालेंगे अभी हम तीन कप केवल डाल रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं इतना केवल कम पानी क्यों डाल रही हूँ छेने में पानी बहुत पड़ता है अब हम चीनी को मेल्ट होने देंगे और ये ज़रूर ध्यान रखेंगे अगर हमारी चाशनी येलो कलर की बन रही है तो हमको उसको क्लियर करना है क्योंकि अगर चाशनी येलो होगी तो रसगुल्ले पीले बनेंगे ये देखिए एकदम मेरी ट्रांसपेरेंट है तो मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आपकी गंदी है तो इसमें आप दूध डाल के एक बॉयल ले लेना फिर इसमें जो मैल इकट्ठा होगा उसको आप छान देना तब आपकी ऐसी ट्रांसपेरेंट चाशनी तैयार हो जाएगी अब देखिए चीनी मेल्ट होने के बाद और ज़्यादा नहीं बॉईल देना है इसमें से मैं दो कप चाशनी निकाल रही हूँ मैं ये इसलिए निकाल रही हूँ कि जब हमारे रसगुल्ले बन जाएंगे तो हम इस चाशनी में इसको डालेंगे जिससे हमारे रसगुल्ले प्रॉपर मीठे बने रहें तो इसको ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे अब आप देख रहे चाशनी काफी हो चाशनी काफ़ी कम होगी अगर इस स्टेज पे बनाओगे तो आपके रसगुल्ले एकदम फ्लैट बनेंगे तो इसमें हमने दो कप निकाला है तो दो कप तो आपको पानी डालना ही है बाकी अगर आपका बर्तन ऐसा है कि पानी का लेवल काफ़ी नीचे है तो आप इसमें और भी पानी ऐड कर सकते हो हमें पानी का लेवल कम नहीं रखना अब इस चाशनी में हम गुलाब जल डाल देते हैं इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फाइव मिनट्स में ही हम चेक कर लेते हैं क्योंकि हमने वेट रख के रखा है तो इससे ज़्यादा ड्राई ना हो जाए तो हमने चेक किया एकदम सही है इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको हम प्रेस करके देखेंगे इससे पंच करने से देखिए छेने से अगर दूध या पानी बिल्कुल निकल नहीं रहा है और एकदम अच्छे से पेस्ट सा आ रहा है तो इसका मतलब एकदम छेना परफेक्ट है मेरा बहुत ड्राई भी नहीं है और बिल्कुल पानी भी नहीं छोड़ रहा है तो इसको हमें हाथ के हथेली के पीछे के हिस्से से रब करना है बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है मुश्किल से चार से पाँच मिनट इसको हम रब करेंगे पीछे से प्रेशर दे के सारे छेने को करेंगे देखिए काफ़ी चिकना हो गया है अब इसमें अच्छी सी बाइंडिंग रहे इसके लिए हाफ टी स्पून आरा रोट आरा रोट व्रत में भी खाया जा सकता है तो छेने में हम मैदा बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहे हैं फिर इस तरह से आरा रोट डाल के एक बार फिर से मैश कर लेते हैं हारा रोड डालने के बाद छेने फटने का बिल्कुल भी चांस नहीं होता है तो ये अच्छे से देखिए डोल लग गया है अब इसमें से हम छोटा सा बॉल पिंच करते हैं चेक करते हैं कि किस तरह से स्मूथ है हमारा बॉल तो ये देखिए ये देखिए बिल्कुल कोई भी क्रैक नहीं है बिल्कुल सही बना हुआ है तो यानी हमारा छेना परफेक्ट है तो इसी तरह से अब हम सारे छेने बना लेंगे एक साइज से छेने बने इसके लिए एक स्पून मैं ले ले रही हूँ वन टीस्पून की स्पून ली है इससे मैंने बनाए हैं तो इस साइज़ के बीस रसगुल्ले हमारे इतने छेने से बन गए हैं इस तरह से देखिए एकदम क्रैक फ्री बन रहे हैं बहुत बढ़िया है रसगुल्ले बन के तैयार हो जा रहे हैं इधर हमारी अब चाशनी भी हम देखते हैं ये उबाल आ गया इसमें एक मैंने डाल दिया है और उबलते में ही आपको डालना है वन बाय वन छेना डालना है ठंडे में बिल्कुल भी नहीं डालना नहीं तो टाइट भी हो सकता है और खिल भी सकता है मतलब फट सकता है तो देखिए पानी में लगातार बॉयल बना हुआ है एक एक करके रसगुल्ले डाल रहे हैं केवल अभी हम दस रसगुल्ले डालेंगे क्योंकि छेने के साइज़ अभी काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इसका बॉयलिंग बना रहे इसलिए इसको हम इस तरह से डालेंगे, और दो मिनट के बाद फिर इसको हम ढक के दस मिनट के लिए पकाएंगे और ये आप देख रहे हो कि ढकने के बाद कितना झाग बन रहा है हलवाई लोग रीठा डालते हैं झाग लाने के लिए पर घर में ढकने से इस तरह से झाग बन जाता है इसकी वजह से ये बढ़ता है तो दस मिनट के लिए इसको हम पका लेते हैं दस मिनट हो गए हैं चेक करते हैं देखिए कितने बड़े बड़े रसगुल्ले हो गए हैं इनको हमको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी केवल स्पैचुला से इस तरह से चाशनी को हर रसगुल्ले पे इस तरह से आप डाल दो और इसको फाइव मिनट्स के लिए इसी तरह से आप पका लीजिए फ्लेम मीडियम टू हाई रखिए और इस तरह से हम सब पे एक बार सिरप डाल देते हैं आप देख रहे हो चाशनी काफ़ी कम हो गई है क्योंकि दस मिनट हमने कुक किया है तो काफ़ी चाशनी कम हो गई है तो अलग से हमने पानी काफ़ी गर्म करके रखा हुआ है तो जितनी हमारी चाशनी कम हो गई है उतना हम स्पून से धीरे धीरे जिससे एकदम से आप इकट्ठे अगर डाल दोगे तो एकदम से टेम्परेचर डाउन हो सकता है तो इस तरह से हम धीरे धीरे स्पून से उसी लेवल तक फिर से चाशनी ले आते हैं फाइव मिनट बिना लेट लगाए हम कुक करेंगे इसके बाद हम इसको आठ मिनट के लिए फिर से कुक करेंगे अभी हमने केवल दस रसगुल्ले बनाए बाकी रसगुल्ले भी सेम इसी प्रोसेस से बनाएंगे आठ मिनट हो गए चेक करते हैं देखिए फाइनली हमारे रसगुल्ले बन के तैयार हैं कितने बढ़िया रसगुल्ले बने हैं इनकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि अच्छे से कुक हुए कि नहीं तो एक ग्लास में मैंने पानी लिया हुआ है इसमें एक रसगुल्ला डाल देते हैं ये देखिए नीचे बैठ गया बिल्कुल यानी रसगुल्ला काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है फिर हमने दो कप जो चाशनी निकाली थी उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था जिससे चिल्ड हो जाए क्योंकि रसगुल्ले हमारे ऑलरेडी कुकड हैं अगर इसको हम इसी में रहने देंगे तो ये टाइट हो जाएंगे तो इसको हम थोड़ी सी चाशनी के साथ ही इस ठंडी चाशनी में डालेंगे अगर आपकी चाशनी ठंडी नहीं है तो आइस वाटर आप ले लेना और उसमें रसगुल्ले डाल देना फिर फाइव मिनट बाद स्क्वीज़ करके फिर इस चाशनी में डाल देना इसी तरह हम बाकी रसगुल्ले भी बना लेंगे और जिस चाशनी में मैंने कुक किया हुआ है वो ठंडी हो जाएगी तो वो भी आप इसी में मिक्स कर सकते हो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा थैंक यू